हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज है 16 जुलाई एंड आज हम लोग बनाएंगे मोमोज ही बनाएंगे ना। ओहो, कौन सबसे ज्यादा खाता है ये होगा कंपटीशन। सबसे ज्यादा कौन खाता है, तुम ही खाओगी। चटनी बनाएंगे तीखी, तुम ही खाओ। चुप रहो, कम नहीं खाते हो, ठीक है? पहली बात तुम ही खाओगी, तुम ही हो हफ्सी, मैं तो हूँ नहीं। यार गाइस एक्चुअली मैं ना थोड़ा बिजी था थोड़े ऑफिस के वर्क की वजह से, तो मैं ज्यादा खा लूंगा कह रही हूँ। हाँ तुम ज्यादा ही खाते हो, ठीक है? मेरे से ज्यादा खाएगा और फिर ऊपर से मैंने तो कुछ खाया ही नहीं है, बकवास। मैं सिर्फ इधर आके बैठी हूँ, ठीक है? बकवास करवा लो। रीता मैं कह जाकर रोमांटिक का होगा। सही में किसका हुआ दिमाग है? तो इतना सीरियस ना लो कोई भी। तेरे से मोटी तू, ओह लगा दी गंदी इंसान, लग गई मेरे। चलो चलो जल्दी मोमोज बनाते हैं। तो चलो गाइस अब बनाएंगे मोमोज, लेकिन कौन से वाले मोमोज बना रहे हैं? कौन से खाने, स्टीम वाले? स्टीम वाले खाएंगे, आटा वाले, आटा मोमोज, स्टीम मोमोज। आटा मैदा हाँ मिक्स कर लेंगे। हाँ मिक्स करके तब बनाते हैं। कई सालों के बाद बना रही हूँ, अब देखते हैं बनेंगे कैसे। चलो आ जाओ यार। लेकिन ये गाइस हम लोग ना वेज वाले बना रहे हैं ना, पनीर वाले बना रहे हैं। पनीर है तो पनीर भी बनाएंगे, थोड़े और थोड़े वो बनाएंगे। लेकिन जो मजा चिकन मोमोज का है वो। चुप रहो, अब छोड़ दी, अब नहीं खाओगे। यार गाइस कैसी इंसान है, जबरदस्ती करती है मेरे साथ खाना खाने पे। कोई जबरदस्ती करता है किसी? चौबीसों घंटे मेरे को वो सात वचन याद दिलाते रहते हो, कौन कौन से हैं? हाँ तो तुमको याद नहीं है, तुम्हें तो याद करने चाहिए। यार आप लोगों को मैं एक बात बता दूं, ये इंसान अपनी शादी में ये फेरों उस टाइम पे फेरे से पहले जो वचन वचन हो रहे होते हैं ना, जब समझा रहे होते हैं, ये मैडम सो रही है आराम से बगल में मेरे खर्राटे लेके। मैं खर्राटे नहीं लिए, तुम रहने दो, सर्दी के मौसम में नाक से धूप उड़ा रही है। तो चलो चलो तुम टाइम वेस्ट मत करो, चलो मोटर लक्षण का एक स्लाइस है। मैं लेके आई थी खरीद के। अपने जैसी ले आई है तू? तुम ना चुप रहो, ज्यादा मत बोलो। और नहीं तो क्या, आधी सी हो रही है खा के, केड़ा हो गए केड़ा। कभी कच्चे खेलती थी? हाँ कच्चे खेले हैं बचपन में। मैंने कंचे नहीं खेले कभी, कंचे खेले हैं, गुल्ली डंडा है ना, लंगड़ी बोलते थे, पता नहीं क्या बोलते हैं, मुझे याद नहीं है, लंगड़ी बोलते थे मेरे ख्याल से। वो तो तू पैसे पहले से ही जरा ना भाई साहब, कम ज्यादा मत, चीनी कम है, चीनी कम है, थोड़ी थोड़ी कुल्चे ज्यादा दिखा रहे हो तुम, ठीक है? हम ना कोई कुछ कह नहीं रहे, तो कोई का क्या मतलब है? कोई ना कोई चाहिए, चाहिए। चुप रहो। ए मोटी अजी सुनती हो? बकवास कर रही है तुमसे, देख लो मोटी नहीं पहली बात तो। बहुत देखो देखो अपने आप को देखो, देखो पेट दिखाना जरा एक बार। नहीं दिखाऊंगी, क्यों दिखाऊंगी? इसे फिट बोलते हैं ना कि मोटा।
अजी जाओ अजी जाओ ऐसा फिट ना क्या तीखी करती चटनी नहीं ज्यादा तीखी नहीं चाहिए भाई नहीं नहीं तीखी क्या कर देती हूँ तीखी 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 नहीं करवानी ना इतनी तुम्हें तुम्हें तीखी खानी है क्या ज्यादा नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है उसके लिए मैंने चार टमाटर ले लिए और लहसुन की कलियां ले ली है मोटी मोटी पांच छह ले ली है मैंने और मिर्ची ले ली है मिर्ची अगर ज्यादा तीखी हो तो कम लेना अगर सही हो तो आप ले सकते हो अपने अकॉर्डिंग इतना नाराज लड़ रही हो का ठीक है तुमसे लड़ना ही पड़ता है चेहरे पे नूर आ रखा है आज मैडम तुम्हारे क्या बात है वो चेहरे पे नूर नहीं है ग्लो कर रही है ग्लो वो चेहरे का नूर नहीं है तो प्रेशर आ रहा है वो जरा ये लगाइए ना तो इसकी वजह से ओहो हमें तो पता ही था हमने तो अपने पहले ब्लॉग में ही कह दिया था अच्छी पैकिंग में सामान खराब ही निकलता है अपनी पैकिंग देख लो पहले क्या बुराई है ब्रो चलो अभी मैं बना रही हूँ पत्ता गोभी के तो पत्ता गोभी काटती हूँ ऐसा ना करूँ पनीर और पत्ता गोभी एक ही में मिक्स करूँ हाँ हाँ एग्जैक्टली मैं भी यही बोलने वाला था मिक्स पनीर भी लेके आओ पनीर लेके आते हैं पनीर नहीं मिल रहा भाई ऊपर कहाँ रखा है ऊपर भगवान के पास मिल गया ये ले मोटी कैच तो बहुत ज्यादा खौफ में रखती हूँ मेरे को तुम्हें पता है कुछ ज्यादा ही रखती हूँ मैं बस 24 घंटे देख लेना मम्मी देख लो ऐसे करती है आप बोलती हो ना हमारी लड़की शरीफ है शरीफ नहीं है ये बहुत खतरनाक है और क्या चाहिए इंसान को तीन तीन चार चार बार खाना देती हूँ क्योंकि गाय भैंस पोयो पोयो तीन तीन चार चार बार खाना देती हूँ सच कुछ ज्यादा ही बोल देती हो रात के दो दो बजे चाय और ब्रेड कौन बनवाता है मेरे से ये बता पहले जब तुम्हारा मन करेगा तो तुम बनाओगी नहीं फिर ऑमलेट का भी मन करेगा तो बनाओगी नहीं मेरा नहीं वो तुम्हारा मन करता है बना दोगी क्या मेरे लिए ये कौन करता है तुम ही करती हो अजी जाओ मेरे को वो वाला गाना याद आ रहा है कौन सा बताओ अरे वो ना हीरा मंडी हाँ? हटो जाओ तुम बड़े वो तो तुम बहुत बड़े वो हो यार कैसी बातें कर रहे हो मैंने बात गलत नहीं की रहन दो तुम रहन दो गलत लग रही है तो कौन लड़ता है ऐसे जब देखो लड़ते रहेंगे कहाँ लड़ती हूँ मैं तुमसे ना शरीफ लोगों का चेहरा होता है ऐसा देख लो जब मुंह पे रख के तुम बनाओगे तो वो तो चेहरा ऐसे ही दिखेगा नहीं नहीं एक्सप्रेशन चेंज ऑफ एक्सप्रेशन नाम की बिल्कुल चीज होती है ना देखो बदल गया कुमोले का लग रही थी चुप We'll be right back.
तो मोमोज के लिए मैंने पहले ही पत्ता गोभी को काट के रख लिया था, छोटा बारीक बारीक काटा है। उसके साथ में ना मैंने पनीर लिया है, पनीर करीब होगा 200 ग्राम। और तड़के के लिए ना प्याज काटी। प्याज को ना हम तब तक पकाएंगे बस हल्का सा पिंक कलर आ जाए। और टमाटर की भी स्थिति देख लेते हैं कि हुआ क्या है। सो टमाटर पूरे अच्छे से पक चुके हैं, क्योंकि जब इनका छिलका ना इस तरीके से बाहर आ जाए ना, समझो कि ये पक चुके हैं। तो अब हम गैस को कर देंगे बंद। मुझे अकेले अकेले ना बनाने में बिल्कुल भी मज़ा नहीं आ रहा, तो चलो बुला के लेके आते हैं, साथ में बनाएंगे खाना। यार चलो ना, मज़ा नहीं आ रहा। अकेले अकेले बोरी। ए चलो ना, बोरी अच्छी हो रही है। चलो चलो चलो, मेरे को इम्पोर्टेंट काम करना है। कोई इम्पोर्टेंट काम नहीं करना, मुझे पता है तुम बहाने लगा रहे हो, बस पसीना आ रहा था। गेम खेल रहा था, जरा होनी चाहिए। मैं वहाँ पसीने में भागे तुम्हारे लिए मोमोज बना रही हूँ। तुम मुझे 2 मिनट का कहते हो, तुम सही 10 मिनट में आते हो। मैं लड़ नहीं रही हूँ। अभी आओ तुरंत। पता है यार, बकचोदी के चक्कर में ना प्याज जल गई। अब क्या करूं, निकालू फिर से, काटू फिर से, बनाऊं? तो पत्ता गोभी और शिमला मिर्च को अब मैं इसी में डाल देती हूँ। इसे कब तक कुक करना है ये मैं आपको बताऊंगी। हल्का सा इसका कलर चेंज हो जाए ना, तब तक इसे पकाना है बस। और कलर चेंज होगा ना जब मैं आपको दिखा दूंगी। और मुझे अच्छे से पता है कि एक बार भाई साहब का गेम स्टार्ट हुआ ना, उठने का तो सवाल ही नहीं होता। आधा एक घंटे से पहले उठ नहीं सकता भाई साहब इंसान ये। चलो कोई ना, अपना बनाते हैं, क्योंकि बनाने का काम है, खुद मुझे खाना है इस वजह से। तो चलो इसे खोल के देखते हैं। अब देखो ये हो चुके हैं पूरे, अच्छे से पक चुका है ये। अब इसमें ना मैं मसाले मिलाऊंगी, वही सिंपल नमक मिर्ची हल्दी हल्का सा। और आपको अगर कोई एक्स्ट्रा चाट मसाला वगैरह मिलाना हो वो आपके ऊपर है, तो मैं इसमें नॉर्मल मसाले मिलाऊंगी। पिल्ली को अभी मैंने ठंडा होने के लिए छोड़ दिया है, तो अभी वो होगा करीब 5-10 मिनट में ठंडा। तब उसमें मैं मिक्स करूंगी नमक और पनीर। नमक में सबसे एंड में 2 नमक सबसे एंड में मिक्स करती हूँ। सिर्फ अभी रह गया है आटा लगाना, तो सबसे पहले आटा लगाते हैं और देखते हैं। बहुत सिंपल है, कुछ भी नहीं है आटा लगाने में, तो सबसे पहले आटा लगाते हैं। 1.5 कटोरी के करीब मैंने मैदा ली है। मैं मिलाएंगे नमक और 1 चम्मच के करीब मैं इसमें घी डाल दूंगी। आप चाहो तो ऑयल वगैरह जो भी यूज करना चाहते हो वो कर सकते हो, बट मैं तो पहले से अच्छे से घी को मिक्स करते हैं, फिर उन्होंने पानी के साथ में आटा हमें जो है लगाना है। कब आयो? आधा घंटे से ऊपर हो गया, मेरा पूरा काम हो गया। भाई साहब 15 मिनट में आने वाले थे, 15 से आधा घंटे से ऊपर हो गया, लास्ट काम रह गया है। हाँ वो तो पता है, ऐसे ही निभाओगे तुम? बताऊंगा भाई, बताऊंगा भाई, सही बता रही हूँ। तो अब लास्ट में रह गया चटनी में तड़का लगाने के लिए। तो कढ़ाई मैंने रख दी है, अब कढ़ाई में अभी पानी है, हल्का सा ये सूख जाएगा ना, कढ़ाई मतलब सूख जाएगी। इसके बाद मैं डालूंगी घी, क्योंकि घी में तड़का लगा रही हूँ। और इसका मैंने है ना पेस्ट बना लिया था, सब कुछ पीस लिया था, इसमें कुछ नहीं डाला। एंड में अभी मैं तड़का लगाऊंगी ना, तब इसमें नमक और हल्का सा चीनी और नींबू डालूंगी बस, बाकी का कुछ नहीं पड़ेगा इसमें। तो गर्म हो गया तेल, अब इसमें हम डालेंगे ये पेस्ट। ये तो हो चुकी है बन के तैयार, तो गैस की फ्लेम को अब कर देंगे बंद। तब तक मैं अपना ये मसाला तैयार कर लेती हूँ। तो ये पनीर जो है मैंने अब मिक्स कर दिया, क्योंकि ये जो पत्ता गोभी वगैरह मैंने की थी पकाया था इसे, तो वो अच्छे से ठंडी हो चुकी है। अब इसे हम अच्छे से मसाले वगैरह जो मुझे कम लगे वो सारे मैंने डाल दिए। अब हम इसे मिक्स कर लेंगे और फिर अब स्टार्ट करते हैं बनाना। चलो
मोमोज हो गए बनके तैयार, अब बारी है टेस्टिंग की। तो चलो पहले टेस्टिंग करते हैं, बने कैसे हैं, वाकई में अच्छे बने हैं नहीं। ए ब्लॉग देख लिया हो तो ये टेस्ट करो। ओए बन गए मोमोज। हाँ गरम तो होंगे, खाने लायक है या नहीं? खाने लायक ही बनाती हो तुम, वैसे इतना बुरा तो नहीं बनाती। ये तारीफ थी या क्या था पहले? चलो सही है, खा के देखो। हाँ क्या हुआ, मुंह क्यों बना रहे हो? ये हैवी है। हैवी है पर अच्छा है, टेस्ट बहुत अच्छा है। टेस्ट अच्छा है, लेयर थोड़ी मोटी है। नहीं लेयर एकदम सही है, हो गया है ना कुक? तो हैवी कैसे कह रहे हो? अच्छा मोटे हैं, बड़े हैं। हाँ अगले वाले मैंने छोटे बनाए हैं, ये ज़्यादा बड़े हो गए थे तो फिर मैंने साइज छोटा कर दिया। चलो तो अब मैं भी खाती हूँ, फिर देखते हैं। बचा अभी नहीं है, फेक्स हुआ था, कुछ भी नहीं बचा। पनीर भी सही है।